Hi guys, this is इज देबान्शी Thank you for choosing to watch my videos. Hi everyone, कुछ दिनों पहले मैंने YouTube के community post पे और Instagram पे आप सब लोगों से पूछा था कि अगर आपके मेरे बारे में कुछ assumptions हैं तो वो भेजिए और मैं उस पर एक dedicated video बनाऊँगी So here I am. कुछ ना कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया assumptions का concept क्या होता है तो कुछ लोगों ने ऐसे लिख लिया कि Make a video on this. एंड वाई डू यू डू दिस तो ऐसे आपको क्वेश्चन या फिर सजेशन्स नहीं पूछने थे अजम्पन्स का मतलब होता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो आपको क्या लगता है कि मैं किस तरीके की इंसान हूँ या फिर मैं जो भी मतलब आप जब अजम्शन्स मैन यू विल गो थ्रू यूल अंडरस्टैंड कि मैं किसकी बात करी सो so, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को पहला एजॉम्पन है यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग ये बिल्कुल ही गलत है मैं अपने बारे में ये बिल्कुल नहीं मानती इनफैक्ट कई लोग बोलते भी हैं कि तुम इंग्लिश फ्लुएंसी और ये सब पे वीडियोस बनाती हो बट तुम्हारी खुद की फ्लूएंट नहीं है तो मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ मैंने कभी ये दावा नहीं किया है कि मैं बेस्ट हूँ वैन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने हमेशा ये बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया है कि मैं कोशिश करती हूँ बेहतर होने की और जो भी इन द प्रोसेस में सीखती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सो या आई हैव डेफिनेटली नॉट मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड द इज अ लॉन्ग वे टू गो कमिंग टू द सेकेंड इजॉपन इट इज़ यू आर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन दिस आई डू अग्री टू आई एम वेरी optimistic. नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़ हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है तो मैं uh, कभी भी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट या बंड आउट नहीं होती मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ये कुछ उसका ब्राइटर पर्स्पेक्टिव देखने की और हाँ मैं एज अ पर्सन मैं काफ़ी ऑप्टमिस्टिक हूँ ये बात मैं अपने बारे में बिल्कुल अग्री करती हूँ और आई थिंक ये मेरी एक बहुत अच्छी आदत भी है यू डोंट गेट एंग्री एंड डोंट मिस ये बिल्कुल सच नहीं है डोंट गेट एंग्री तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पॉसिबल ही नहीं लगता कि कोई इंसान गुस्सा कैसे ना करे हर एक इंसान को गुस्सा आता है इट्स वेरी नॉर्मल इट्स वेरी नेचुरल तो मुझे भी गुस्सा आता है आई आई कान से कि मुझे कोई टेम्पर प्रॉब्लम है या फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बहुत गुस्सा करती रहती हूँ नहीं बट मुझे भी एवरी नाउ एंड देन थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ मैं या फिर थोड़ा गुस्सा मुझे आता है मैं गुस्से में आके चीखना चिल्लाना झगड़ा करना ये सब मुझे नहीं पसंद है मेरा गुस्सा मुझे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं मैं बोलती हूँ एंड इफ आई डोंट लाइक समथिंग आई जस्ट से इट ऑन द फेस बट हाँ चीखना चिल्लाना ये इन ह्यूमन बिहेवियर मुझसे नहीं होता है तो मैं वो सब नहीं करती और यू डोंट मै सब थिंग्स ओ माई गॉड आई डू मई सब थिंग्स एवरी नाउ एंड देन सो या आई डू गेट एंग्री एंड आई डू मई सब थिंग्स गाइज आई डोंट नो वट एम आई डूइंग ऑन दिस चैनल टू क्रिएट दिस इंप्रेशन कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ नहीं कोई परफेक्ट नहीं होता हर किसी इंसान में कमी होती है और मुझ में मुझ में भी ये कमियाँ काफ़ी क्लियरली हैं मैथ्स इज़ नॉट योर फेवरेट सब्जेक्ट नो इट्स नॉट इट्स डेफिनेटली नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज़ इंग्लिश एंड आई वॉज इन स्कूल मुझे इंग्लिश बहुत पसंद था मैथ्स में मैं काफ़ी बुरी थी ये तो नहीं कहूँगी बट हाँ मैं आई वॉज नॉट वेरी गुड विद मैथ्स बट देन देर वॉज दिस टीचर ऑफ माइंड हु एनकरेज मी टू टेक मैथ्स सीरियसली और वो काफ़ी अच्छे सर थे काफ़ी अच्छे टीचर थे तो उनकी बदौलत मैं मैथ्स में, में काफ़ी मैं सुधर गई थी बट फिर ट्वेल्थ में um, फिर से मेरे मैथ्स में कम मार्क्स आ गए तो मैथ्स का मेरा ऑन एंड ऑफ कभी uh, बनती है मैथ्स के साथ तो कभी नहीं बनती है बट हाँ मैथ्स हैज़ नेवर बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज़ डेफिनेटली करेक्ट योर पेशेंस लेवल इज़ हाई इट इज़ हाई आई एम पेशेंट मतलब पेशेंट हूँ ज़्यादा या नहीं ये नहीं पता बट मैं उतनी इमपेशेंट या फिर इम्पलसिव नहीं हूँ सो या दैट इज़ समथिंग तो ये अजम्पन भी करेक्ट है यू आर एन एम्बीवर्ट आई एम am an ambivert. मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं हूँ एज ए मुझे एकदम ही मैं जब मेरा बोलने का मन करता है तब भी मैं चुप रहती हूँ या फिर मैं लोगों से बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती ऐसा कुछ नहीं है हाँ मैं आ, मुझे आ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ कि यू नो हेलो हाई और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ स्मॉल टॉक करने में और कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करने में मैं वैसी भी नहीं हूँ और मैं एकदम ही इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ तो आई एम समवेयर इन बिटवीन बट या आई फील आई एम मोर ऑन द इंट्रोवर्टेड साइड मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ बट हाँ मैं एमबीवर्ट हूँ ये बात आपकी सच है मैं इन द बिगिनिंग मुझे थोड़ा टाइम लगता है लोगों लोगों के साथ ओपन अप होने में बट वंस आई एम यू नो कनेक्टेड विद डैम या फिर मैं मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है उनके साथ आफ्टर दैट आई एम ऑल चिल इसको इतना लंबा बनाने का कोई पॉइंट नहीं है आई एम एन एमबी वर्ट दैट इज़ करेक्ट यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू से नो Um, ये एक्चुअली ये गलत है um, हाँ मेरे साथ ऐसा पहले हुआ करता था पहले एज एन वन इन माई अर्ली टीन तो तब मुझे बिकॉज तब मुझे बहुत होता था कि मैं मना कर दूंगी तो ये गुस्सा हो जाएगी या फिर ये मेरी फ्रेंड नहीं बनेगी या फिर uh, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे बट अभी मुझे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता <laughs> मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं सही कर रही हूँ और अगर मैं लोगों से अच्छे से रह रही हूँ और मैं ऑनेस्टली रह रही हूँ तो मुझे कोई क्या सोचता है मेरे बारे में क्या नहीं सोचता है इस बारे में मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बारे में सोच के मुझे अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है तो नाउ इट इज़ आई डोंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू से नो आई हैव बिकम प्रटी गुड एट इट बट या आई वॉज इन दैट फेज़ ऑफ लाइफ जहाँ पे ना बोलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी बट आई एम प्रटी प्राउड एंड प्रटी हैप्पी दैट इट्स नॉट द केस एनी यू हैव गॉट अ स्वीट टूथ आई हैव एंड एक्चुअली आई डोंट लाइक हैविंग स्वीट्स दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी व्यूड अबाउट मी द ओनली शुगर दैट गोज़ इन टू माई बॉडी इज ड्यू टू माई टी बिकॉज आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ टी तो दिन में मैं दो बार ही चाय पीती हूँ जो कि एक्चुअली एक बहुत बुरी आदत है चाय काफी काफ़ी अडिक्टिव हो सकती है मुझे लगता है कि मैं अडिक्शन के जो एकदम क्या बोलते हैं बॉर्डर पर हूँ अभी फ़िलहाल बट हाँ तो मैं मेरी बॉडी को चीनी सिर्फ चाय के थ्रू जाती है और चॉकलेट्स के थ्रू जाती है और बट ऐसा मुझे कभी मीठा खाने का मन नहीं करता मुझे ज़्यादा कभी क्रेविंग्स होती नहीं कि और गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है लड्डू खाने का मन कर रहा है नहीं आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्वीट्स सो नो आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ you are someone who tries her best to help people uh, this is true this is definitely true मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से जितना हो पाए अगर मेरे capacity में है कि मैं किसी की मदद कर सकूँ तो मैं definitely करती हूँ but मुझे ना उन लोगों से I mean I'm sorry if this sounds a little rude to you I don't mean to be harsh but this is a fact and I have always been honest so I'm going to be honest मुझे उन लोगों से सख्त सख्त <laughs> नहीं नफरत नहीं बोलूँगी मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे जो जिनको स्पून फीडिंग चाहिए हर बात पे मतलब आई लाइक हेल्पिंग पीपल सपोज आप कोई काम कर रहे हो उसमें आप परेशानी फेस कर रहे हो आपको तब किसी की हेल्प की ज़रूरत है तब आई एम डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू बट देर आर सो मेनी पीपल दैट आई कम अक्रॉस जिन्हें खुद कुछ नहीं करना उन्हें सब कुछ ऑन द प्लेट चाहिए उन्हें सब कुछ चाहिए कि मतलब उन्हें उनके हाथ में कोई थमा दिला के उन्हें बस स्पून फीडिंग चाहिए तो अगर भी मेरे बस में है मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना बिल्कुल पसंद नहीं करती और कई सारे ऐसे कमेंट्स मुझे दिखते हैं मेरे चैनल पे जहाँ पे मुझे ये वाइब आती है मुझे समझ में आता है कि इन्हें खुद से कोई मेहनत नहीं करनी इसे बस इन्हें बस चाहिए कि कोई दूसरा आके सब कुछ कर दे इनके लिए तो वैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट ऐसे में आई डू लाइक हेल्पिंग पीपल और अगर मुझसे हो पाता तो मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्प कर पाऊँ तो अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी जो बातें आपने बोली ये अजम्पन्स कम आप खुद की तारीफ ज़्यादा कर रहे हो तो मैं जेनविनली ये सारी बनी बनाई बातें नहीं हैं मैंने जो भी मुझे अजम्पन्स आए थे मैंने उसी पर वीडियो बनाया है और सारी पॉजिटिव ऑलमोस्ट इसीलिए हैं आई फील क्योंकि नंबर वन तो क्योंकि लोग बड़े अच्छे हैं मेरे चैनल पर और नंबर टू क्योंकि अभी काफ़ी कम लोग हैं मेरे चैनल पर तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स क्राउड नहीं है तो सिर्फ उतने ही गिने चुने लोग हैं जो एक्चुअली मुझे एज अ पर्सन पसंद करते हैं और मेरे कॉन्टेंट को पसंद करते हैं इसीलिए अच्छे खासे खासेजम्शन आए हैं तो लास्ट वाला एक्चुअली एक अप्रिसिएशन मैं बोलूँगी उसको यू आर हम्बल जेन्यन एंड ऑनेस्ट आई एब्सोल्यूटली एडमायर पीपल हु आर हम्बल तो मैं भी चाहती हूँ कि वो एक क्वालिटी मुझ में हमेशा बाकी कोई क्वालिटी रहे ना रहे ये डेफिनेटली ह्यूमिलिटी शुड बी अ पार्ट ऑफ माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माई पर्सनैलिटी सो दैट इज़ समथिंग दट आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दैट आई ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड दैट इज़ समथिंग दैट आई

आज के लिए इतना ही आ, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ यूट्यूब को बट टू डू विद देबांशी का एक आ, एपिसोड मैं शूट कर रही हूँ अगर आपको पता नहीं है वो क्या है तो वो मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है उसका सेकेंड वीडियो जो है वो कल आने वाला है सो स्टे ट्यून्ड और आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे कॉमेंट्स में बताओ और मेरे चैनल पर अगर आप अगर आप नए हो प्रबली आप ये वीडियो नहीं देख रहे हो बट अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो बिकॉज मुझे बहुत खुशी होती है जब नए नए लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं और कमेंट्स में बताओ कि ये सारे एजामशन से आप कितना अग्री करते हो और इस पर मेरा आंसर आपको कैसा लगा सॉरी अगर मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है आज क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे बहुत टेंशन हो रही है वेरी ऑनेस्टली तो <laughs> अब मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट्स में मेरे साथ बात करो और दूसरे भी कई सारे वीडियोस हैं मेरी चैनल पे उन्हें देखो और मैं लिटरली ये आउटर बहुत बकवास था मुझे पता है एनी थैंक यू बाय बाय